Dear students, assalamu alaikum. Welcome back in lecture number 4. Lecture number 3 के अंदर हमने सीखा कि microsoftoutlook.com पे ऊपर हम अपनी ईमेल आईडी किस तरह बना सकते हैं. उस लेक्चर के अंदर हमने सबसे पहले ईमेल आईडी बनाने सीखी और उसके बाद हमने एक ईमेल की और ईमेल भेजने का यानी कि तरीका क्या था. फिर हमने ये भी चेक किया कि हमने जो ईमेल किसी भी क्लाइंट को, यूज़र को, टीचर को अगर हमने कोई ईमेल भेजी है तो उसका रिकॉर्ड कहाँ पे होगा. तो हमने वो सीखा कि सेंट में जो ऑप्शन होता है फोल्डर, उसके अंदर हमारे पास ईमेल आईडी हमारी मौजूद है, सॉरी ईमेल मौजूद होती है. तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम सीखेंगे कि स्काइप के लिए हम अपना अकाउंट किस तरह से बना सकते हैं और स्काइप को यूज़ करते हुए ऑडियो कॉल, वीडियो कॉल और वॉइस मेल किस तरह भेज सकते हैं. और उसके अलावा हम यानी कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट या कोई पिक्चर है तो वो किसी भी यानी कि दोस्त तक अगर आपने पहुंचानी है, किसी टीचर को आपने बाय यूजिंग स्काइप आपने वो सेंड करनी है तो आप किस तरह सेंड कर सकते हैं, वो चीज़ें हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे. तो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर सबसे पहले आपने एक नोट करना है यानी कि अपनी कॉपी के ऊपर नोट करना है कि स्काइप के लिए आपने ब्राउज़र को ओपन करना है. अगर आपके पास लैपटॉप है या आपके पास पीसी है यानी कि पर्सनल कंप्यूटर है तो आपके पास ब्राउज़र इंस्टॉल होना चाहिए और ब्राउज़र इंस्टॉल है तो उसके साथ इंटरनेट का भी कनेक्ट होना ज़रूरी है. सबसे पहले आपके पास लैपटॉप है तो आप अपना लैपटॉप ओपन करें और ब्राउज़र को ओपन करें. वहाँ पर लिखें आप स्काइप, SKYPE स्काइप. स्काइप लिखने के बाद वहाँ से आप इंटर कर लें. इंटर करने के बाद आपके पास सर्च इंजन, आपके पास जो फर्स्ट लिंक होगा आपने मुख्तलिफ लिंक्स ओपन करके देगा सर्च इंजन. तो फर्स्ट जो लिंक है आपने इस पर क्लिक कर देना है. ओके, तो फर्स्ट लिंक पे मैंने भी क्लिक कर दिया. अब क्योंकि ऑलरेडी अगर मैं साइन इन हूँ तो मेरे पास कोई यूज़र इंटरफेस इस तरह से शो होगा. ठीक है जी, अब यूज़र इंटरफेस इस तरह से शो हो गया है. अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, नंबर वन, अगर हमने इसको डेस्कटॉप के लिए भी डाउनलोड करना है, डेस्कटॉप से मुराद ये है कि हमने अपने पर्सनल कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना है तो उसको डाउनलोड करने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ. यहाँ पर होगा डाउनलोड्स, तो इस पर हम क्लिक कर लेंगे डाउनलोड्स पे और थोड़ा सा हम वेट करेंगे. अब यहाँ पे लिखा है स्काइप फॉर डेस्कटॉप, तो यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि अवेलेबल फॉर द विंडोज़, मैक ओएस और उसके बाद है लिनक्स. ठीक है जी, अब हमने ये ऑटोमेटिकली इसको फेच कर लेगा आपके पास जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल है. तो हमारे पास विंडोज़ है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमें नेक्स्ट पेज पे ले जाएगा और नेक्स्ट पेज हमारे पास शो होगा डाउनलोड्स का. ठीक है स्टूडेंट्स, डाउनलोड्स का जैसे ही होगा ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा. स्काइप जो भी इसका लेटेस्ट वर्जन होगा वो आपके पास आ जाएगा. मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है, मैं वहीं से इसको इंस्टॉल कर लूँगा. ठीक है स्टूडेंट्स, और अब यहाँ पर हमने मैंने इसको डाउनलोड नहीं करना, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है. तो आपने सबसे पहले लिखना है स्काइप. स्काइप लिखने के बाद गूगल सर्च इंजन आपको ढूंढ के दे देगा और फर्स्ट लिंक पे आपने क्लिक करना है. फिर आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी. डाउनलोड्स पे आपने क्लिक करना है, वहाँ पे आपके पास जो उसका यूज़र इंटरफेस आएगा, जो स्क्रीन आपके पास अपीयर होगी तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपके पास इंस्टॉल होगा. तो यहाँ तक ये मुकम्मल हो गया स्टेप. अब ये देखें ऑलरेडी मेरे पास इंस्टॉल था, सॉरी डाउनलोड था. अब मैं इसको इंस्टॉल करूँगा. इंस्टॉल करने का प्रोसीजर क्या है, अगर आपके ब्राउज़र पे इस तरह का आइकन दिखाई दे तो आप उसको यानी कि क्लिक कर सकते हैं. इस पर क्लिक करेंगे तो ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, लेकिन हम स्टेप्स को फॉलो कर रहे हैं. यहाँ जो आइकन, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ लिखा है शो इन फोल्डर. शो इन फोल्डर पर क्लिक करते हैं और ये हमें फोल्डर पर ले जाएगा जहाँ पर ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है. तो ये जैसे हमारे पास फोल्डर ओपन होता है फिर हमने वहाँ पे डबल क्लिक करना होगा. डबल क्लिक करने के बाद हमारे पास एक न्यू स्क्रीन अपीयर हो जाएगी. अब यहाँ पे हमारे पास ये सॉफ्टवेयर ओपन है. ठीक है, तो डबल क्लिक कर लेते हैं और ये सॉफ्टवेयर ओपन होगा. ओपन होने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से स्क्रीन शो होगी. ये स्क्रीन हमारे पास अपीयर होगी, इसको हम करेंगे रन यानी कि ये स्टार्ट हो जाएगा. इसको हम करते हैं मिनिमाइज और अब जो हमारा सॉफ्टवेयर है स्काइप का वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा. तो अब इसके हम स्टेप देखते हैं. स्टेप क्या था, स्टेप नंबर वन था कि आपके पास डाउनलोड हो गया. डाउनलोड होने के बाद जिस फोल्डर में वहाँ जाएंगे, वहाँ डबल क्लिक करेंगे सॉफ्टवेयर के ऊपर और फिर थोड़ा सा वेट करेंगे, वो सॉफ्टवेयर आपके पास ओपन होगा और हम उसको अभी चेक कर लेते हैं अभी ओपन हुआ या नहीं. तो अभी तक हमारे पास सॉफ्टवेयर ओपन नहीं हुआ,
तो जैसे ही ओपन होता है तो हम उसको प्रोसेस के ऊपर लगा देते हैं। तो ये अभी आपके पास सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे यस कर देना है। यस करने के बाद फिर थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद कुछ थोड़ी सी क्रेडेंशियल होगी वो हम लास्ट में पुट कर देंगे और कुछ इसको एक्सेस चाहिए होगी वो हम इसको दे देंगे। अब इंस्टॉल, इंस्टॉल पे हमने क्लिक कर दिया और ये सॉफ्टवेयर कह रहा है सेटअप इज प्रिपेयरिंग टू इंस्टॉल स्काइप ऑन योर कंप्यूटर। तो ये हमारे कंप्यूटर पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा और ये जो फाइल है ये अभी इनको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, इनको फैला रहा है। कहाँ पर? आपकी जो सी ड्राइव है, सी ड्राइव के अंदर प्रोग्राम फाइल होगी और प्रोग्राम फाइल के अंदर x86 और फिर वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर, माइक्रोसॉफ्ट का जो फोल्डर होगा उसके अंदर स्काइप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये इंस्टॉल हो गया है, हो रहा है। तो हम यानी कि इंस्टॉल होने के बाद इसको देखते हैं कि हम मज़ीद हम इसमें किस तरह से काम कर सकते हैं। ये इंस्टॉल हो जाए जैसे तो हम यानी कि फिर वापस आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्काइप इंस्टॉल हो गया है। वेलकम टू स्काइप, फ्री HD वीडियो एंड वॉइस कॉल एनीवेयर इन द वर्ल्ड, लेट्स गो। अब यहाँ पे क्या है कि साइन इन और क्रिएट, ठीक है। अब यहाँ पे साइन इन और क्रिएट पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर हमारा अकाउंट पहले से बना हुआ है स्काइप के लिए या हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का अगर अकाउंट है हम वो ईमेल आईडी यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास अकाउंट नहीं है तो हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास अकाउंट नहीं है तो उन तमाम स्टूडेंट्स ने अकाउंट बनाना है और आपने एट द एंड जो आपकी असाइनमेंट होगी आपने, क्योंकि प्रीवियस जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर हमने outlook.com पे अपनी ईमेल आईडी बनाना सीखी, आप सब स्टूडेंट्स ने अपनी ईमेल आईडी बनानी है और उसके जो स्टेप होंगे आपने स्क्रीनशॉट लेके आपने वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आपने क्या कहते हैं पेस्ट कर लेना या स्क्रीनशॉट आपने सेंड करनी होगी। हर एक स्टूडेंट ने अपनी ईमेल आईडी बनानी है और उस ईमेल आईडी की यानी कि स्क्रीनशॉट ज़रूर मुझे सेंड करने हैं और वही आपकी असाइनमेंट है। असाइनमेंट के अंदर दो टॉपिक हैं, एक आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, आपने ईमेल आईडी बनानी है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के ऊपर, दूसरी आपकी आईडी होगी स्काइप के ऊपर। तो वो आईडी आपने शेयर करनी होगी लेकिन पासवर्ड आपने उसको खुद सिक्योर रखना होगा। वो पासवर्ड मुझे नहीं चाहिए, जस्ट मुझे इतना पता होना चाहिए कि हर एक स्टूडेंट की आईडी स्काइप पे बन गई, ताकि कोई ऐसा लेक्चर हो जो स्काइप पे लिया जाएगा तो आपकी ऑलरेडी आईडी बनी हुई होनी चाहिए। और एक लेक्चर हम ज़रूर स्काइप पे लेंगे, उसके अंदर जो आपके कंटेंट्स हैं जो आगे हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट है और उसके अंदर हम जब काम करेंगे तो हम वहाँ पर वो तमाम चीज़ें सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर किस तरह काम कर सकते हैं, एक्सेल के ऊपर किस तरह काम कर सकते हैं और उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ये तीन जो टूल हैं आपको सेकेंड सेमेस्टर थर्ड फोर्थ के अंदर आपको यानी कि इस्तेमाल करने होंगे। तो अगर आप लोग अभी नहीं सीखेंगे तो आपको सेकेंड सेमेस्टर में परेशानी यही उठानी पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास अगर अकाउंट नहीं है तो मैं आपके लिए क्रिएट अकाउंट वाले ऑप्शन पे जाता हूँ, यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा जो प्रोसेस है वो आप उसको समझ लें और आप तमाम स्टूडेंट्स अपनी अपनी आईडी बनाने के बाद बाय ईमेल आपने सेंड करनी होगी ताकि मैं आप सबको ऐड कर लूँ। अब देखिए यहाँ पर दो किस्म की यानी कि दो किस्म के स्टेप्स हैं, नंबर वन यूजिंग ईमेल और यह फ़ोन नंबर। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपको आसान लगता है, तो मैं यहाँ पे बाय यूजिंग फ़ोन नंबर यानी कि क्रिएट कर लेता हूँ, यानी कि हम आसान स्टेप को फॉलो करते हैं। दूसरा भी स्टेप देखेंगे उसमें मसला कोई नहीं, हमें दोनों तरीके आने चाहिए। तो हम पहले बाय फ़ोन वाला स्टेप फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो आपका नंबर है आप इंटर करेंगे, इंटर कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ से आपने नेक्स्ट कर देना है। फिर आपके पास क्या है क्रिएट अकाउंट, ये है कहते हैं ऑलरेडी अकाउंट, यानी कि ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो फिर हम यहाँ पे साइन इन करेंगे। अगर अकाउंट नहीं है तो फिर आपके पास वो कोड आएगा, आपने वहाँ पे इंटर कर देना, जिससे आपने व्हाट्सएप के लिए बनाया होगा, उसके अलावा आपके पास वाइबर है, उसके अलावा आपके पास मल्टीपल जो सोशल मीडिया आपके पास क्या कहते हैं ऐप्स हैं आप उनके ऊपर अपना अकाउंट बनाते हो, यहाँ पर आप उसी तरह बना सकते हो। तो यहाँ पर मैं अब यूजिंग ईमेल करता हूँ, ठीक है जी। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे लिखा है गेट अ न्यू ईमेल एड्रेस, यहाँ पे न्यू ईमेल एड्रेस यहाँ पे हम लिख लेते हैं। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ उस्मान, और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, लास्ट टाइम में जब मैंने आईडी बनाई थी मैंने नोट नहीं की थी, क्योंकि जब इंसान मल्टीपल काम कर रहा होता है तो वो चीज़ें भूल जाते हैं। तो आपने अपनी डायरी पर ज़रूर नोट करना है जो आप ईमेल आईडी बना रहे हो, जो पासवर्ड आप नोट कर रहे हो, क्योंकि मुझे उसका पासवर्ड याद नहीं था, रिकवरी के लिए मैंने अप्लाई कर दिया, लेकिन आपने ये गलती नहीं करनी जो मैंने गलती की है। तो उस्मान ATD मैंने लिख दिया,
अब यहाँ पर मैं 606 कर लेता हूँ, लास्ट टाइम मेरे पास 505 की आईडी थी। तो नेक्स्ट कर लेते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे फिर आपके पास वही स्टेप आ गया जो हमने क्या कहते हैं आउटलुक के लिए हमने जब अपनी ईमेल आईडी बनानी थी, यहाँ पर भी वही स्टेप आ गए। तो ईमेल के अब पासवर्ड का आपने बहुत ख्याल रखना क्योंकि मैं पासवर्ड भूल गया था, तो यहाँ पर अब पासवर्ड रख लेते हैं हम नेक्स्ट, और यहाँ पर नाम आपका फर्स्ट नेम जो भी होगा आप इंटर करना है, आपका जो लास्ट नेम होगा वो आपने इंटर करना है, फिर आपने नेक्स्ट कर देना है। अब यहाँ पे आपके पास ये आईडी तो वो क्रिएट करेगा, यहाँ पे आपके पास कैप्चा आ जाएगा तो आपने सेम वही लिखना है जो वहाँ पे आपके पास शो हो रहा है। अगर वो कैपिटल है तो कैपिटल होना चाहिए, अगर स्मॉल है तो स्मॉल होना चाहिए। तो ये आपने गलती नहीं करनी, फिर बार बार आपको ये प्रोसेस रिपीटली करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप एक्यूरेट कैप्चा एंटर नहीं करते तो आपके पास ये मसला आता रहेगा। अब यहाँ पे आपने जब जैसे ही कैप्चा इंटर कर दिया और फिर आपने नेक्स्ट की रिप्लाई किया तो आपके पास नेक्स्ट जो पेजेस का आएगा हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी हमारे पास। तो कह रहा है आपके पास साइन इन के लिए वो अभी अप्लाई कर रहा है आपको, तो आपने अपनी आईडी दोबारा से बनाई। और सबसे आसान तरीका आप देखें, आपको क्या कहते हैं आउटलुक की आईडी बनाने का आसान तरीका ये है कि आप यानी कि स्काइप के लिए आईडी बनाएं। सबसे पहले आपने पहले जो हमने प्रोसीजर फॉलो किया था, हमने ईमेल के लिए अप्लाई किया था। अगर आप अभी यानी कि स्काइप के लिए आईडी बनाते हो तो आपकी क्या कहते हैं आउटलुक आईडी भी बन जाएगी और स्काइप की आईडी भी बन जाएगी, यानी कि एक आईडी से दो काम आपके हो जाएंगे। तो आपने ये जो प्रोसेस है स्काइप वाला अप्लाई कर देना, इससे आपकी आईडी भी मिल जाएगी और आपका अकाउंट भी बन जाएगा। तो तमाम स्टूडेंट्स को हम एक ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे और हमारा जो एक लेक्चर होगा वर्ड से रिलेटेड या एग्जाम से रिलेटेड, तो हम वो लेक्चर हम स्क्रीन शेयर पे ले लेंगे ताकि क्या कहते हैं सिंक्रोनस मेथड को यूज़ कर लेंगे, क्योंकि उसमें आप डायरेक्टली आप भी होंगे, तमाम स्टूडेंट्स जो होंगे वो मौजूद होंगे, तो हम वहीं पर लेक्चर ले लेंगे। अब क्या कहते हैं चूज़ योर प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर है जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं चेक करता हूँ मेरे पास कोई पिक्चर है तो मैं इसको ऐड कर लेता हूँ, नहीं होगी तो मैं स्किप कर लूँगा या कंटिन्यू कर लेता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक हमने यानी कि आईडी बनाना सीख ली। तो नेक्स्ट स्टेप के ऊपर हम चेक करेंगे कि हम ऑडियो एंड वीडियो और वॉइस कॉल सॉरी ऑडियो वीडियो एंड वॉइस मेल किस तरह भेज सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पिक्चर में चले जाते हैं, कोई पिक्चर हमें मिलती है सूटेबल तो हम उसको अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगा लेते हैं, नहीं है तो उसको फिलहाल इग्नोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कोई सूटेबल सी यानी कि होनी चाहिए पिक्चर, तो हम यहाँ से इसको फिलहाल इग्नोर कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसे कंटिन्यू कर लेते हैं। जब हमें मिल जाएगी तो हम उसे यानी कि कोई ना कोई प्रोफाइल पिक्चर लगा लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या है कि टेस्ट योर ऑडियो, जैसे यानी कि आपकी माइक्रोफोन जो है ऑटोमेटिकली वो फेच कर लेगा। देखिए यहाँ पे आपके पास डॉट्स बबल से बने हुए नज़र आ रहे हैं, तो जैसे आपकी वॉइस पिक करेगा ऑटोमेटिकली आपके पास ये फेच हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑडियो को अगर टेस्ट करनी तो यहाँ पे आप प्रेस कर लेंगे टेस्ट ऑडियो, तो टेस्ट ऑडियो ही आपकी यानी कि सक्सेसफुली। और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं आपकी ऑडियो भी मुकम्मल होगी और यहाँ पे मेक अ फ्री टेस्ट कॉल, तो आप चेक कर लेते हैं। Welcome to Skype call testing service. After the beep, please record a message. Afterwards, your message will be played back to you. Dear students, welcome in Skype. So, students, देखिए आपके सामने टेस्ट कर लिया हमने। If you are able to hear your own voice, then you have configured Skype correctly. If you hear this message, but not your own voice, then something is wrong with your audio recording settings. Please check your microphone and microphone settings or visit skype.com for more help. Thank you for using the Skype call testing service. Goodbye. तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया, मेक अ फ्री टेस्ट कॉल की, उसके अंदर यही था कि मेरी जो वॉइस थी उसने रिकॉर्ड की, रिकॉर्ड करने के बाद वही उसको प्ले कर दिया। कह रही है अगर आपने इस तरह टेस्ट आपका जो है सक्सेसफुल हो जाता है तो इसका मतलब है कि आपका स्काइप बिल्कुल काम कर रहा है। अगर कोई मसला आ रहा है आपकी आवाज़ को सुना है क्या कहते हैं वॉइस को डिटेक्ट नहीं किया, तो फिर यानी कि आप अपने माइक्रोफोन को ज़रूर चेक करें। तो हम कंटिन्यू करते हैं। अब यहाँ पर कैमरा आ जाएगा, तो कैमरा अगर आपने एक्टिव किया हुआ है तो वेब की सेटिंग आ जाएगी,
ठीक है स्टूडेंट्स, जो आपके पास कैमरा भी है यहाँ पे, यानी कि क्या कहते हैं कंट्रोल, यानी कि यहाँ पे उसकी ब्राइटनेस है, कंट्रास्ट है, उसके अलावा मल्टीपल ऑप्शंस हैं, तो आपने इसको छेड़छाड़ नहीं करना, ऑटोमेटिकली जो है इसको बाय डिफॉल्ट छोड़ दें। यहाँ पे आपके पास होता है अगर आप एक्सटर्नल कैमरा को यूज़ करते हैं तो वो भी आपके पास यहाँ पे यूज़ हो सकता है। ओके, अब यहाँ पे हम इसको कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो बिल्ट इन लैपटॉप के अंदर है वो 2.0 है, तो हम उसी को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट कर लेते हैं और यहाँ पे ओके कर लेते हैं। अब हाँ, ये इसका यूज़र इंटरफेस है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आपने ज़रा गौर से देखना है, ये है चैट्स, नॉर्मल जिस तरह व्हाट्सएप पे चैट्स होती है उस तरह आप यहाँ पे चैट्स कर सकते हैं। कॉल जिस तरह वहाँ पे ऑडियो कॉल करते हैं आप कॉल कर सकते हैं। उसके अलावा जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन आ गया है मीट नाउ एंड न्यू कॉल। ठीक है, मीट नाउ से ये मुराद है कि आपने कोई मीटिंग रखी हुई है तो आप यहाँ पे आप मीटिंग के लिए जो आपने अप्लाई जो डेट आपने दी थी जो टाइम दिया था, फिर आप यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आप मीट नाउ पे चले जाएंगे। तो हम इन फ्यूचर देखेंगे कि हम इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट, तो जो आपके पास एक लिस्ट होगी कॉन्टैक्ट की आप वहाँ पे इसको आपके पास शो होगी। अब लेट्स सपोज आपका कोई फ्रेंड है, आप उसको ऐड करना चाहते हैं न्यू कॉन्टैक्ट, आप इनवाइट टू स्काइप या ऐड टू फोन नंबर। अब यहाँ पे अगर उसका जो फ़ोन नंबर होगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ अली, मैंने यहाँ पे उसका नाम लिख लिया अली, और उसका फ़ोन नंबर जो है कंट्री कोड आप यहाँ पे 92 लिख लें। अगर फैच नहीं करता तो आप कंट्री नेम लिखेंगे, कंट्री नेम लिखने के बाद 92 आ गया आपके पास। अब आपने उसका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना होगा 3152140695 या 0, यहाँ से आपने सेव कर देना है और ये नंबर आपके पास यहाँ पर कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट के अंदर आ जाएगा अगर यहाँ पे मौजूद हुआ। मौजूद होने से मुराद ये है, देखें अगर उस बंदे ने आईडी स्काइप पे बनाई हुई है तो आप उसको डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, अगर उसकी आईडी नहीं है तो आप अपने स्काइप के ज़रिए उसके नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये कि आपने कुछ क्रेडिट ऐड करना होगा। तो यहाँ पे यानी कि जो क्रेडिट है आपके पास ये है 160 और इसके चार्जेस हैं हमारे पास अभी 0 हैं। ठीक है जी, तो हमें परचेज करने पड़ेंगे, यहाँ से ऐड करने पड़ेंगे, ये अलग एक प्रोसेस है, लेकिन हमने जो काम करना है चैट्स कॉल और कॉल के अंदर वीडियो कॉल ऑडियो कॉल दोनों आ जाएंगे ऑप्शन। ठीक है जी, और नोटिफिकेशन के ऊपर जो भी आपके पास मैसेज आता है, जैसा व्हाट्सएप के ऊपर आपके पास आता है, वाइबर पे आता है आपके पास, लाइन के ऊपर आता है, उसके अलावा आपके पास वी चैट के ऊपर आता है, जो भी हम यानी कि एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होंगे तो तमाम की तमाम नोटिफिकेशन इसी तरह आपके पास शो होंगे। अब हम क्या करते हैं कि हमने यहाँ पर सबसे पहले जिस तरह आप आईडी स्टूडेंट्स बनाएंगे तो आप शेयर करेंगे, मैं वन बाई वन आप सबको ऐड कर लूँगा। ये हमारा न्यू अकाउंट था क्योंकि हमारे पास अभी कोई भी ऐड नहीं है, हम किसको कॉल करें इसलिए हमारे पास थोड़ा सा मसला है, लेकिन आपने इसी का ख्याल रखना कि चैट के ऊपर जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है, हम यानी कि किसी भी एक पर्सन को ऐड करेंगे तब हमारे पास एक्टिव होगा, तो हम वो तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकते हैं। हम यानी कि क्या क्या चीज़ें किसी भी स्टूडेंट को हम भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया इको साउंड टेस्ट। ठीक है, यहाँ पर जब हम क्लिक करते हैं ये क्या है, मैसेज अनअवेलेबल, क्योंकि ये हम कॉल कर रहे हैं सिस्टम को, यानी कि किसी क्लाइंट को, किसी स्टूडेंट को नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन है वो एक सिस्टम है यानी कि कंप्यूटर को कॉल कर रही, इस वजह से ये आपके पास ऑप्शन एक्टिवेट नहीं है। यहाँ पर हम जब क्लिक करते हैं तो ये पर्सन आ जाता है, यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो लेट्स सपोज हम यहाँ पे लिखते हैं हाय, लिख दिया हमने। अब ये यानी कि सेंड होगा, उस वक्त यानी कि उसको रिसीव होगा जब वो अपनी आईडी यानी कि यहाँ पर बनाएगा, क्योंकि उसकी आईडी नहीं बनी हुई, जैसे आईडी बनेगी तो ये तमाम के तमाम मैसेज हमने उसको भेजे हैं वो यहाँ पे उसको रिसीव हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन है सेंड के लिए, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेट्स सपोज चैट, चैट के अंदर हमारे पास ऑप्शन है न्यू चैट, ये है ग्रुप चैट, ये है मॉडरेट ग्रुप है, न्यू चैट है और प्राइवेट कन्वर्सेशन। प्राइवेट कन्वर्सेशन मुराद ये है, लेट्स सपोज अगर एक ग्रुप होता है, ग्रुप के अंदर मल्टीपल स्टूडेंट्स है, तो आप यानी कि किसी एक स्टूडेंट को किसी असाइनमेंट के लिए उसकी मिस्टेक है आप उसी को बताना चाहते हैं, तो फिर आप प्राइवेट कन्वर्सेशन में चले जाएंगे ताकि उसी को ही पता हो कि आपने इस असाइनमेंट में ये मिस्टेक की है। और ग्रुप में अगर आप बताना चाह रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, फिर जाहिर सी बात है आपके पास जिस तरह व्हाट्सएप का ग्रुप है तो आप वहीं पर जिस तरह चैट कर रहे होते हैं वहीं, और स्काइप के अंदर भी इस तरह से आप चैट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे है मॉडरेट ग्रुप, जो आपने मॉडरेटेड ग्रुप बनाया होगा उसके अंदर, यानी कि आप जब किसी के साथ चैट कर रहे होंगे तो जाहिर सी बात है उसके अंदर जो अपनी पॉलिसी होगी आपने उसी को फॉलो करना होगा। अब आते हैं कॉल्स, कॉल्स के ऊपर, यानी कि यहाँ पर था अली, अब यहाँ पे हम उसको कॉल करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है हमारे पास अभी उसका नंबर एक्टिवेट है, तो नंबर के ऊपर हम जब कॉल करेंगे वही बात है, मैंने कहा यहाँ पे हमारे पास जो क्रेडिट है वो नहीं है। अब कह रहे हैं यू जस्ट ट्राई टू कॉल अ नंबर, तो हमारे पास $5 और $10 और $15 हम इसके अंदर परचेज कर सकते हैं। अब ये क्या कह रहा है कि पाकिस्तान मोबाइल्स एंड लैंड लाइन नंबर क्या है 300 मिनट, और ये कहता है ये 8.60 का था और लेकिन अभी चार्जेस हैं 2.9 पर मंथ, तो ये कहता है आप ट्राई करना चाहते हो तो यहाँ पर ट्राई, तो क्योंकि हमारे पास बैलेंस है नहीं है, तो जब हम यहाँ पर ब्राउज़र पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये क्रेडेंशियल इसकी जो डिटेल्स हैं वो ओपन हो जाएंगी। तो यानी कि हमने क्रिटिकल साइट पर नहीं जाना, जो हमारे पास बेसिक फ्री जो उसके ऑप्शन हैं जो हम यूज़ कर सकते हैं हम उन्हीं को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास क्या है, नंबर वन स्टूडेंट्स स्काइप के ऊपर आते हैं, चैट्स है, कॉल्स है और वो कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास है, आप उनको ऐड भी कर सकते हैं। यहाँ पर लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मेरे पास है उस्मान और यहाँ पर होगा _ATD, तो हम इसको चेक कर लेते हैं हमारे पास उस्मान _ है, तो देखिए ऑलरेडी इस ID पे यहाँ पर उस्मान एक्टिवेट है, ठीक है उस्मान ATD, तो ये यानी कि से हाय हमने कर दिया। और यहाँ पे देखें जो यानी कि जिस स्टूडेंट की ID बनी होगी तो उसके लिए, अब देखें ये जो आपके पास चैट का ऑप्शन है थोड़ा डिफरेंट आ रहा है, यहाँ पे आपके पास इमोजीज आ जाएंगे, यहाँ पे आप यानी कि जो टेक्स्ट भेजना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपके पास कोई ऐड फाइल करना चाहते हैं, फाइल के अंदर आपके पास वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट PDF ये तमाम के तमाम फाइल आपके पास हो सकती हैं, तो हम यहाँ पे PDF फाइल सेंड करके देखते हैं और एक काम करते हैं वर्ड एक्सेल ये तमाम चीज़ें हम वहाँ से सेंड करते हैं ताकि हमारे पास ये क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि हमारे पास कौन सी फाइल, लेट्स सपोज हम एक इमेज ही सेंड करते हैं ट्रायल के लिए, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया फाइल के अंदर हमारे पास क्या कहते हैं हम जाते हैं पिक्चर्स पे और यहाँ पे हमारे पास अब देखिए मल्टीपल आ गई हमारे पास फाइल्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं ये एडमिशन, तो हमने एडमिशन ये ओके किया, ये फाइल हमारे पास ओपन हो जाएगी और यहाँ से हम ये फाइल इसको सेंड कर देंगे ये आपकी फाइल, ठीक है जी। और यहाँ पे लिख लेते हैं दिस इज ADMISIU एडमिशन फाइल फॉर योर इंफॉर्मेशन, तो यहाँ से हमें ये सेंड करनी है, ठीक है जी, दिस इज़ अ एडमिशन फाइल फॉर योर इंफॉर्मेशन। अब ये फाइल जैसे अपलोड होगी और उस स्टूडेंट तक या क्लाइंट तक ये फाइल पहुँच जाएगी और उसको डाउनलोड करेगा तो उसके पास ये फाइल ओपन हो जाएगी। अब हमने ये कौन सी फाइल भेजी थी PDF, आप इस तरह वर्ड की फाइल एक्सेल की फाइल पावर पॉइंट की फाइल भेज सकते हैं, इमेज आप भेज सकते हैं, इसमें कोई भी यानी कि जो फाइल आप भेजना चाहते हो आप इजीली भेज सकते हो। फिर आता है कॉन्टैक्ट, कोई ऐसा कॉन्टैक्ट है वो आप सेंड करना चाहते हो, मैं कहता हूँ अली का कॉन्टैक्ट, ठीक है यहाँ पे सेंड करेंगे तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उसका सेंड हो जाएगा। तो उसके बाद है वॉइस मेल, तो यहाँ पे क्लिक करना है, जिस तरह व्हाट्सएप के ऊपर आप वॉइस मेल भेजते हैं तो इसी तरह यहाँ पर भी आपने वॉइस मेल भेजनी होगी, तो यहाँ पर आपने इसको रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पर है सेंड, जब आपकी वॉइस मेल रिकॉर्ड होती है तो उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना होगा, आपकी वॉइस मेल यहाँ से सेंड हो जाएगी, जिस तरह व्हाट्सएप पे नॉर्मली हम यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम इसको सेंड कर देंगे और ये जब आपका क्या कहते हैं वॉइस मेल रिकॉर्ड हो जाएगी मुकम्मल तौर पर, फिर आप सेंड करेंगे ये, यानी कि वो भी आपकी वॉइस मेल सेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर जब आप वॉइस मेल भेजोगे देखें आपके पास ये वॉइस मेल आ जाएगी, जब आपकी वॉइस मेल रिकॉर्ड होती है तो ये हमने ये भी टेस्ट कर लिया। अब यहाँ पे 3 डॉट्स, अब यहाँ पे आप लोकेशन जिस तरह व्हाट्सएप पे ऊपर है, अब वीडियो मैसेज भेजना चाहते हो आपकी मर्ज़ी है, किसी भी यानी कि क्या कहते हैं स्टूडेंट्स आप एक दूसरे के साथ अगर आप कन्वर्सेशन कर रहे हो तो आप वीडियो मैसेज भेजना चाहते हो वो भी भेज सकते हो। उसके अलावा क्या है स्केड्यूल अ कॉल, अब स्केड्यूल अ कॉल लेट्स सपोज कोई टीचर आपका कहता है कि एक वो आपकी मीटिंग रख लेता है स्काइप के ऊपर, तो वो स्केड्यूल कॉल करेगा आपके साथ, पहले से आपको इन्फॉर्म करेगा कि कल 2 बजे स्काइप पे मैं ऑनलाइन हो जाऊंगा और यानी कि आपने वो सेशन स्काइप के ऊपर लेना, तो यहाँ पे
हम स्टेप बाई स्टेप करते हैं लोकेशन। तो यहाँ पे लोकेशन जो है अब क्या है आपके पास, टू इम्प्रूव योर सर्च रिजर्व स्काइप एंड बिंग नीड एक्सेस, ठीक है लोकेशन। तो यहाँ पे है नंबर वन प्राइवेसी स्टेटमेंट। तो प्राइवेसी स्टेटमेंट के अंदर यही है कि आपको एक्सेस देनी पड़ेगी, आप जब एक्सेस दोगे ठीक है, और टर्म्स ऑफ यूज़ ये आपसे यही बातें शेयर होंगी कि हम आपकी लोकेशन क्यों यूज़ कर रहे हैं और लोकेशन यूज़ करने का मकसद क्या है। जाहिर सी बात है आप किसी को लोकेशन अपनी भेज रहे हो तो इस वजह से वो आपकी एक्सेस आपसे मांगेगा, नहीं देनी तो मे बी लेटर देनी, तो श्योर कर लें। और यहाँ पे श्योर करेंगे तो आपकी एक्सेस क्या है, दिस ऐप वांट टू यूज़ लोकेशन, डू यू वांट टू टर्न लोकेशन सर्विस, ठीक है जी। तो हम इसको ऑन कर देते हैं और यहाँ पे हमारी जो लोकेशन होगी, अब हम यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो हमारी लोकेशन के लिए सेंड लोकेशन आ जाएगी। अब ये फेच करेगा और फेच करने के बाद हमारे पास जो लोकेशन होगी वो हमें डिस्प्ले हो जाएगी, अपीयर हो जाएगी, शो हो जाएगी। तो यहाँ पे हम अब देख लेते हैं, अगर हमारी लोकेशन शो नहीं हो रही तो हम लिख देते हैं, अब ये लिखा और वो आ रहा है आपके पास जो लोकेशंस हैं। अगर यहाँ पे मैक के ऊपर लोकेशन आ रही है, वेलंगुड नहीं आ रही, तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि देखें एबटाबाद पाकिस्तान की मेरी लोकेशन आ रही है और मैं यहाँ से इस लोकेशन को सेंड करना चाहता हूँ, तो ये लोकेशन मैंने सेंड कर दी स्टूडेंट्स, और यहाँ पर ये मेरी लोकेशन स्टूडेंट्स आपके सामने चली गई। अब यहाँ पर दोबारा क्लिक करते हैं थ्री डॉट्स पे, यहाँ पे है वीडियो मैसेज। अब क्योंकि कैमरा तो मैंने ऑन नहीं किया हुआ, और जब कभी भी आपने एक दूसरे के साथ कन्वर्सेशन करनी होगी तो आप यानी कि वीडियो कॉल जिस तरह हम करते हैं उसी तरह आपकी जो क्या कहते हैं कैमरास